हेलो दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हो आप सब? अडानी पावर की तरफ से बम्पर भर्ती का ये ऑफिशियली नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। और ये जो नोटिफिकेशन निकाला गया है बिल्कुल फ्रेशर कैंडिडेट के लिए निकाला गया है। किसी भी टाइप का कोई एक्सपीरियंस यहाँ पे इन्होंने नहीं मांगा। फ्रेशर की पोजीशन आपको देखने को मिलेगी और इसका अपडेट यूट्यूब पे सबसे पहले दे रहा हूँ। इसी बात पे यार वीडियो को लाइक कर देना, हमारा मोटिवेशन बना रहता है जब आप वीडियो को लाइक करते हो। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। अगर आपने आईटीआई कर रखा है आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, सारे ट्रेड आपको देखने को मिलेंगे। अगर आपने यहाँ पे डिप्लोमा कर रखा है तो भी आप एलिजिबल है। अगर आप 12वीं पास है तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। एंड यहाँ पे अगर आपने बीबीटेक कर रखा है तो यहाँ पे बीबीटेक वालों के लिए एक्सपीरियंस का जॉब आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे बस बीबीटेक के अंदर ही एक्सपीरियंस मांगा है एक साल का। अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है, आईटीआई कर रखा है, 12वीं पास है तो ये सारे कैंडिडेट फ्रेशर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन बीबीटेक के अंदर एक साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। सारी ब्रांच आपको देखने को मिल जाती है, सैलरी आपको बढ़िया देखने को मिलेगी, परमानेंट जॉब आपको देखने को मिल जाता है। ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, इंडिया के सभी नागरिक अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे पोजीशन के बारे में अगर हम बात करें तो टेक्नीशियन के पदों के लिए वैकेंसी है। सैलरी आपका 18,000 रुपये पर मंथ के अकॉर्डिंग देखने को मिलेगा। इसी के अलावा यहाँ पे जो आपको देखने को मिलेगा डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनी का पोजीशन रहेगा, उसके अंदर आपका सैलरी यहाँ पे 27,000 रुपये पर महीने के अकॉर्डिंग सैलरी आपको देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पे जूनियर इंजीनियर के पदों के लिए वैकेंसी है, वहाँ पे आपका सैलरी 32,000 रुपये यहाँ पर मंथ के अकॉर्डिंग देखने को मिलेगा। उसके अलावा यहाँ पे साइट इंजीनियर के पदों के लिए वैकेंसी है, उसके अंदर जो आपका सैलरी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा वो आपका 42,000 रुपये पर मंथ के अकॉर्डिंग देखने को मिलेगा। इसके अलावा और भी अलग अलग पोजीशन है जैसे कि सुपरवाइजर का यहाँ पे वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पे आपका सेफ्टी डिपार्टमेंट के अंदर वैकेंसी देखने को मिलेगा, सभी को हम डिस्कस कर लेंगे। एंड यहाँ पे बात की जाए अप्लाई कैसे करना है उस प्रोसेस के बारे में, उससे पहले वीडियो के लाइक के टारगेट को कंप्लीट करवा देना है। 1200 प्लस का टारगेट हमने रखा है, अपने दोस्तों के अंदर वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आप अपनी ब्रांच को कमेंट करके बता देना कौन सी ब्रांच में डिप्लोमा बीबीटेक कर रखा है, कौन से ट्रेड के अंदर आईटी कर रखा है, ताकि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर वही अपडेट भी प्रोवाइड करवा दूंगा। और अगर आप मुझसे डायरेक्टली बात करना चाहते हैं तो मैंने आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में एक लिंक प्रोवाइड करवा रखा है कनेक्ट विथ मी का। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे ये टैब ओपन हो जाएगा और आप जिस भी प्लेटफॉर्म का यूज़ करते हैं उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि आप लिंक्डइन का यूज़ करते हैं तो आप मुझको लिंक्डइन पे मैसेज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको डायरेक्टली क्लिक कर देना है और आप डायरेक्टली मुझको मैसेज कर पाएंगे। तो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पास में जो घंटी वाला आइकन है उसको दबा दे ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। और आपका भाई इस चैनल पे इंजीनियरिंग जॉब अपडेट लाता रहता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने डायरेक्टली ऑफिशियली नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लिया है। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे आईटीआई डिप्लोमा और यहाँ पे 12th वाली वैकेंसी के बारे में, उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे बीबीटेक की वैकेंसी के बारे में। तो यहाँ पे जो वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी अडानी सोलर पावर की तरफ से वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा। और अडानी सोलर यहाँ पे सोलर मैन्युफैक्चरिंग का काम करता है, जो बड़ी बड़ी सोलर प्लेट्स होती है उसके मैन्युफैक्चरिंग ये करता है। और यहाँ पे मेन पावर का रिक्वायरमेंट है जो कि इन्होंने मेंशन कर रखा है। ओपन कैंपस ड्राइव आपका रहेगा, मतलब कि क्या है ओपन कैंपस ड्राइव, जिसके अंदर कोई भी बच्चा पार्टिसिपेट कर सकता है। कहीं से भी बिलोंग करते हैं आप, किसी भी स्टेट से इंडिया के नागरिक हैं तो आप यहाँ पर जाके पार्टिसिपेट कर सकते हैं और यहाँ पर ड्राइव में हिस्सा ले सकते हैं। जॉब लोकेशन जो आपका रहेगा यहाँ पे कुछ गुजरात का जॉब लोकेशन आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे थर्ड पार्टी के थ्रू वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, मतलब कि यहाँ पे आप परमानेंट बेस पे काम करेंगे लेकिन आपका जो यहाँ पे वैकेंसी है वो थर्ड पार्टी के थ्रू प्रोजेक्ट दिया गया है मुंद्रा सोलर प्राइवेट लिमिटेड को, तो इनके थ्रू आप यहाँ पे अडानी सोलर के अंदर काम करने वाले हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए यहाँ पे डायरेक्टली जो आपका वॉक इन इंटरव्यू रहेगा वो आपका यहाँ पे 19 अक्टूबर को ये रहने वाला है। जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो जाइएगा, यहाँ पे आपको जॉब मिल जाएगी, साथ ही साथ सुबह 10 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। देखिए देखिए मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, जॉब लोकेशन आपका गुजरात का रहेगा लेकिन आपको जाना कहाँ पर पड़ेगा, ये जो आईटीआई कॉलेज है यहाँ पे उस पर आपको जाना पड़ेगा मध्य प्रदेश के अंदर। वेन्यू भी मैं आपको बता दूंगा, जाना आपको यहाँ पे है, जॉब यहाँ पे आपकी गुजरात में लगेगी, जाना आपको मध्य प्रदेश है एमपी में और जॉब आपके लगेगी यहाँ पे गुजरात के अंदर, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर बात की जाए यहाँ पे जो आपका मेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल नहीं रहेगी आईटी डिप्लोमा और 12th वाली वैकेंसी के लिए। लेकिन अगर आपने बीबीटेक कर रखा है, अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आगे मैंने आपको वैकेंसी के बारे में बता रखा है, वहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड यहाँ पर जो आपका एज लिमिट रहेगा वो आपका 18 साल से लेके 28 साल तक के कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकते हैं। ड्यूटी जो हॉर रहेगा वो आपका 8 घंटे का टाइम पीरियड रहेगा, 8 घंटे आपको
आपको काम करना पड़ेगा, ओवर टाइम करेंगे तो पैसा आपको अलग से यहाँ पे मिल जाएगा, और कितना पैसा मिलेगा वो भी यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है। लेकिन उससे पहले क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आपने यहाँ पे 12वीं कर रखा है, आईटी कर रखा है, डिप्लोमा कर रखा है, बीए बीकॉम बीएससी कर रखा है, वो सारे कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आईटीआई के अंदर ऑल ट्रेड एलिजिबल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन्होंने मेंशन कर रखा है ऑल टेक्निकल ट्रेड आर एलिजिबल, सारे ट्रेड आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे डिप्लोमा के अंदर अगर आपने मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन के अंदर यहाँ पे डिप्लोमा कर रखा है पूरे 3 साल का, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। या फिर अगर आपने 12वीं के बाद डिप्लोमा किया है तो भी आप एलिजिबल रहेंगे। उसके अलावा यहाँ पे जो आपका सैलरी रहेगा वो इन्होंने मेंशन कर दिया है, 12वीं का जो सैलरी आपको देखने को मिलेगा वो आपका 14,212 रुपए। एडिशनल बेनिफिट्स भी आपको यहाँ पे ऐड किए जाएंगे, तो ये आपका सैलरी है, उसके बाद एडिशनल बेनिफिट्स ऐड होंगे, तो यहाँ पे 2,250 रुपए और यहाँ पे मान के चलिए। आईटी कर रखा है, बीए कर रखा है, बीकॉम कर रखा है, तो आपका सैलरी यहाँ पे लगभग 15,000 के करीब देखने को मिलेगा। और अगर आपने डिप्लोमा बीएससी कर रखा है तो सैलरी जो आपका रहेगा 16,000 रुपए के करीब देखने को मिलेगा। एडिशनल बेनिफिट्स के अंदर आपका अटेंडेंस बोनस आपको 2,000 रुपए पर मंथ हमेशा ऐड होता रहेगा, तो ये आपका सैलरी 16,000 रुपए रहेगा। ये आपका रहेगा यहाँ पे आपका 17,000 रुपए, और ये आपका रहेगा 18,000 रुपए के करीब, और 520 रुपए यहाँ पे पर मंथ ऐड होंगे यहाँ पे फूड सब्सिडी के, तो उसके अकॉर्डिंग भी आपका सैलरी यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे प्रोविडेंट फंड आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि हेल्थ इंश्योरेंस आपको मिल जाता है, कैंटीन यहाँ पे अवेलेबल है, बस फैसिलिटी आपको देखने को मिल जाती है। उसके अलावा अगर आप ओवर टाइम करते हैं तो उसका पैसा आपको अलग से देखने को मिल जाएगा। 18 दिन की छुट्टी मिलेगी साल के अंदर, और यहाँ पे सैलरी इंक्रीमेंट आपका अच्छा खासा देखने को मिल जाएगा, 2,800 रुपये पर ईयर के अकॉर्डिंग आपका एक साल के बाद 2,800 रुपये पर मंथ में आपके ऐड कर दिए जाएंगे। जाना कहाँ पे, ये जो आप देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने कैंपस के बारे में बता रखा है, तो आप इनके इन पे कॉल भी कर सकते हैं, और डायरेक्टली ये जो कैंपस है यहाँ पे वेन्यू पे जाके अपने वॉक इन इंटरव्यू को यहाँ पे अटेंड कर सकते हैं। अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपको अपनी फोटोग्राफ लेके जानी पड़ेगी, यहाँ पे लगभग 5 फोटोग्राफ आपको लेके जानी है। उसके बाद यहाँ पे आपके सारे डॉक्यूमेंट आ जाएंगे, जो भी आपका एजुकेशनल सर्टिफिकेट है वो आपको लेके जाने पड़ेंगे। अगला रहेगा आपका आधार कार्ड आपको लेके जाना है, पैन कार्ड आपको लेके जाना है, पैन कार्ड आपके पास होना चाहिए, नहीं है तो बनवा लीजिएगा। उसके अलावा यहाँ पे बात की जाए कि आपका जो बैंक का जो पासबुक है वो भी आपको लेके जाना पड़ेगा, और ये सारी चीज़ें लेके जाइएगा और यहाँ पे जाके अपने वॉक इन इंटरव्यू को अटेंड कर सकते हैं। तो ये जो वैकेंसी रही आईटी वालों के लिए, डिप्लोमा वालों के लिए, बीए बीकॉम बीएससी वालों के लिए, और यहाँ पे आपकी वैकेंसी रही जिन्होंने 12वीं कर रखा है उनके लिए। तो बात कर लेते हैं यहाँ पे बीबीटेक की वैकेंसी के बारे में। देखिए, मैंने अडानी ग्रुप की ऑफिशियली वेबसाइट को ओपन कर ली है, ऊपर आप इनके यहाँ पे वेबसाइट का लिंक भी देख सकते हैं जो कि मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए। अप्लाई करने से पहले वीडियो को ध्यानपूर्वक पूरा देख लीजिएगा। यहाँ पे आपको कुछ फिल्टर देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि आप अपने स्किल के अकॉर्डिंग, जॉब टाइटल के अकॉर्डिंग कीवर्ड डाल के यहाँ पे जॉब को फाइंड कर सकते हैं। लोकेशन वाइज भी यहाँ पे आप जॉब को देख सकते हैं, सर्च का बटन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। बहुत टाइप की वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, और यहाँ पे मैं आपको पहले बता देता हूँ कि यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा गया है, 1 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे सीनियर मैनेजर का वैकेंसी है जिसके अंदर 1 साल का एक्सपीरियंस है, यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर का वैकेंसी है, और भी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, जैसे कि मैं आपको सारी वैकेंसी के बारे में वन बाय वन यहाँ पे बता देता हूँ। तो अगर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर का, ये सारी मैनेजर की वैकेंसी है, लेकिन यहाँ पे अगर आप स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्पेशलिस्ट का वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा, मैनेजर का वैकेंसी है, डिप्टी मैनेजर का वैकेंसी है, ये आप देख सकते हैं कि आपका इंजीनियर का वैकेंसी है। इसके अंदर अगर आपने यहाँ पे बीबीटेक कर रखा है अप्लाई कर सकते हैं। मध्य प्रदेश का जॉब लोकेशन रहेगा, 1 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना कंपलसरी है, 1 साल का एक्सपीरियंस है, कोई अप्रेंटिसशिप कर रखा है, कोई इंटर्नशिप कर रखा है, उसको आप एज ए एक्सपीरियंस काउंट करवा सकते हैं। ऑल ब्रांच एलिजिबल है बीबीटेक वालों के लिए। सैलरी आपका रहेगा यहाँ पे 42,000 रुपए पर मंथ के अकॉर्डिंग, 42,000 यहाँ पे आपका सैलरी देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर का वैकेंसी देखने को मिलेगा, जिन्होंने बीबीटेक कर रखा है सीएसआईटी में, वो इसको अप्लाई कर सकते हैं। लगभग 45,000 रुपए पर मंथ के अकॉर्डिंग सैलरी आपको देखने को मिल जाता है। उसके अलावा यहाँ पे और भी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, जैसे कि जिन्होंने बीकॉम कर रखा है उनके लिए भी वैकेंसी है। सेफ्टी सपोर्ट के अंदर वैकेंसी है, बीबीटेक कर रखा है अप्लाई कर सकते हैं। ऑल ब्रांच एलिजिबल है, आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। साथ ही साथ अगर आपने बीबीटेक कर रखा है सेफ्टी के अंदर तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी भी आपकी यहाँ पे बढ़िया रहेगी, ये भी आपका सेफ्टी सपोर्ट का वैकेंसी है। जॉब लोकेशन आपका अलग अलग देखने को मिलेगा, इसमें आपका मुंद्रा गुजरात का रहेगा, और यहाँ पे जो आपका रहेगा तेलंगाना का जॉब लोकेशन देखने को मिलेगा। तो अप्लाई करने से पहले जॉब लोकेशन को एक बार अच्छे से
पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, उसके बाद आप अप्लाई करिएगा। ये आपका सीनियर इंजीनियर का वैकेंसी है, इसके अंदर बीबीटेक वाले अप्लाई कर सकते हैं। एक साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, किसी भी प्राइवेट कंपनी में आपने काम किया है आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे मैनेजर का वैकेंसी है, और भी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, तो आप अपने अकॉर्डिंग वैकेंसी को फाइंड कर सकते हैं। और यहाँ पे आप नीचे आएगा देख पा रहे हैं कि शो मोर रिजल्ट का ऑप्शन दे रखा है, इस पर क्लिक करके और भी बहुत सारे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो मैं आपको एक वैकेंसी के लिए अप्लाई करके दिखा देता हूँ। तो हम अप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे सेफ्टी सपोर्ट के लिए आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करना है, ये सारा आपका ओपन हो जाएगा। जॉब वैकेंसी के बारे में डिटेल में बता दिया जाएगा, यहाँ पे आपकी जॉब लोकेशन आ जाएगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में यहाँ पे इन्होंने बता रखा है। तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा अप्लाई करने के लिए, नीचे एक बटन है अप्लाई का, इस पर आपको सिंपली करना है मेरे भाई क्लिक। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे एक न्यू टैब ओपन हो जाएगा जो कि आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे अप्लाई करने से पहले आपके पास अकाउंट होना चाहिए यहाँ पे इनकी वेबसाइट पे। और यहाँ पे अकाउंट कैसे बनाना है, आपको अपनी ईमेल आईडी को डालना है, यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री कर देना है, यहाँ पे चेक मार्क पे आप क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट का बटन है, इस पर क्लिक करके आप अपने अकाउंट को क्रिएट कर सकते हैं, और उसके बाद आप अपने सारे डॉक्यूमेंट को यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। और इससे रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा उन लोगों तक जिनको जॉब की नीड है। कमेंट बॉक्स में आप अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन को जरूर बता दीजिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।